नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों, हमने जो मैथ का कॉन्सेप्ट या मैथ का टॉपिक जो स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था और मैथ को बिल्कुल बेसिकली तरीके से दोस्तों स्टार्ट किया था। आपने पहली वीडियो में देखा होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ को सिखाया गया था। तो आइए दोस्तों, उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। तो हमने नंबर सिस्टम के अंदर चार संख्याओं के बारे में जिक्र कर लिया था। कौन कौन सी दोस्तों? मैंने आपको नेचुरल नंबर के बारे में बता दिया था, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। उसी तरह दोस्तों पॉलीड्रोम नंबर के बारे में बता दिया था, उसी तरह रैशनल नंबर के बारे में बता दिया था और इरेशनल नंबर के बारे में बता दिया था। तो दोस्तों, हम ये चार की चार संख्याएं पढ़ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक है, नेक्स्ट चलते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पूर्ण संख्या दोस्तों। तो आज बताने जा रहा हूं पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर दोस्तों। होल नंबर यानी कि जिसका सिंबल W से डिनोट करते हैं। तो आइए दोस्तों, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर और होल नंबर दोस्तों, इनमें इतना ही डिफरेंस होता है कि जो नेचुरल नंबर था वो हमारा एक से स्टार्ट हुआ था और जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो दोस्तों जीरो से स्टार्ट होती हैं। जीरो, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से गिनती दोस्तों चलती रहती है। और आपसे पूछा जाए कि जो पूर्ण संख्याओं के अंदर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो दोस्तों आपने क्या आंसर देना है, जीरो देना है। जैसे नेचुरल नंबर में पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो हमने एक आंसर दिया। और इसी तरह अगर आपसे पूछे कि होल नंबर, सबसे छोटी जो होल नंबर है या सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है, तो वो दोस्तों क्या होती है, जीरो होती है। ऐसे दोस्तों और नंबर के बारे में जिक्र करते हैं, इवन नंबर दोस्तों, सारे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, सम संख्या। दोस्तों बताने जा रहा हूं कि सम संख्या क्या होती है। कुछ लोग इसमें कैसे याद करते हैं कि जो संख्याएं दो से पूर्णतया विभाजित होती हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर। लेकिन दोस्तों हमने ये याद नहीं रखना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बड़ी से बड़ी संख्या को दो से डिवाइड करने बैठ जाएं। जैसे दोस्तों 54354 ये आपसे संख्या पूछ ली, तो हम क्या करें, इसको दो से डिवाइड करें फिर बताएं, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। तो आपने कैसे याद रखना है, सम संख्या कौन सी होती है, जिस संख्या के जो अंत का, जो एंड का जो अंक होता है, लास्ट वाले अंक को देखना है। अगर वो लास्ट वाला अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो दोस्तों उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। तो अब देखो दोस्तों, इस सम को हमें 54354 इस संख्या को हमें बताने की जरूरत नहीं है, दो से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें लास्ट वाला अंक देखकर पता लग रहा है 4 है, तो ये हमारी कौन सी संख्या हुई, सम संख्या हुई। तो दोस्तों आपने क्या याद करना है, जिस संख्या के अंत में लास्ट वाले अंक को देखना है, अगर वो 0, 2, 4, 6 और 8 आए, तो आप क्या बोलोगे, वो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो आइए दोस्तों, इसके विपरीत जो संख्या होती है वो कौन सी होती है, ओड नंबर दोस्तों। ओड नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। तो दोस्तों विषम संख्या क्या होती है, बिल्कुल इसके अपोजिट, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 यानी कि जिस संख्या के अंत में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, उसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या, ओड नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल 54933, ये कौन सी संख्या है आपसे पूछा जाए, तो आपने लास्ट वाले अंक को देखा कि जो लास्ट वाला अंक है वो 3 है, तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी, ओड नंबर होगा दोस्तों। ऐसे दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
इस संख्या के बाद सबसे फेमस संख्या आ रही है दोस्तों, इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको बोला जाता है भाज्य संख्याएं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? कंपोजिट नंबर। अब बताने जा रहा हूं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। दोस्तों भाज्य संख्या क्या होगी? जो संख्या खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, डिवाइड हो, उसे बोलते हैं भाज्य संख्याएं। किसको बोलेंगे दोस्तों? जो संख्या खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो, उसको बोलेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे दोस्तों तीन, ये तीन देखो किसी और संख्या से भाग नहीं होता है, पांच देखो किसी और संख्या से भाग नहीं होता है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? चार, छः, आठ, नौ, दस, बारह, चौदह, पंद्रह, सोलह, अठारह, बीस, इक्कीस, बाईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, अट्ठाईस, सताईस, ये हमारी सारी की सारी कौन सी संख्या होती हैं दोस्तों? इनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। ये देख लो दोस्तों, सारी की सारी संख्याएं किसी ना किसी संख्या से डिवाइड होगी। जैसे चार देखो दो से डिवाइड हो रहा है, छह देखो तीन से भी डिवाइड हो रहा है, दो से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या देखा? भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? भाज्य, नाम से पता लग रहा, भाज्य भाग होने वाली, यानी कि जो संख्याएं खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं, उसको बोला जाता है दोस्तों कंपोजिट नंबर। और यहां पर दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों आपने क्या आंसर देना है? चार आंसर देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सॉरी भाज्य संख्या क्या होती है? चार होती है दोस्तों। ऐसे ही बिल्कुल इसके अपोजिट है अभाज्य संख्याएं, बिल्कुल इसके एंटी दोस्तों। अभाज्य का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में बोल देते हैं? प्राइम नंबर। तो ये प्राइम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभी बताया जो संख्याएं खुद को छोड़कर किसी और से भाग होती हैं वो तो होती हैं भाज्याएं। जो संख्याएं खुद को छोड़कर किसी और से भाग नहीं होती हैं वो होती हैं दोस्तों अभाज्य संख्याएं। जैसे दो, तीन, पांच, सात, ग्यारह, तेरह, सत्रह, उन्नीस, तेईस, उनतीस, इकतीस, ये दोस्तों सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो कौन सी हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। देखो दोस्तों इस किसी भी संख्या को डिवाइड करके देख लो, ये किसी से भी भाग नहीं होंगी। दो देख लो, तीन देखो, पांच देखो, सात देखो, ग्यारह देखो, ये वो संख्याएं हैं दोस्तों जो किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है दोस्तों हमारा, इसके बाद जो संख्याएं हैं हमारी पूर्ववर्ती संख्याएं दोस्तों, पूर्ववर्ती संख्याएं। तो बता देना चाहता हूं एक पूर्ववर्ती होती है और एक अनुवर्ती होती है दोस्तों। अनुवर्ती, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्व, देखो दोस्तों नाम से पता लग रहा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि 54 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। पूर्व मीन क्या होता है दोस्तों? पहले, कि 54 से पहले कौन सी संख्या आ रही है उसको बोलते हैं दोस्तों पूर्ववर्ती संख्याएं। तो 54 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 53। ये लो दोस्तों 54 की जो पूर्ववर्ती संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 53 बनेगी दोस्तों। ऐसे दोस्तों अनुवर्ती क्या होता है? बिल्कुल इसके
उल्टा, जैसे 54 है अनुवर्ती का मीन, दी गई संख्या से आगे वाली संख्या, नेक्स्ट जो नंबर होगा तो 54 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 55 आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अनुवर्ती संख्याएं। तो एक बार और रिपीट कर रहा हूं, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, दी गई संख्या से पहले की संख्या को तो पूर्ववर्ती कहते हैं, नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, पूर्व, पूर्व मीन क्या होता है, पहले। और अनुवर्ती संख्या कौन सी होती है, दी गई संख्या से बाद वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे, अनुवर्ती संख्या बोलेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बची हमारी संख्याएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आज आपको बताना चाहता हूं प्लेस वैल्यू के बारे में दोस्तों। प्लेस वैल्यू सारे बच्चे जानते हैं, छोटे जब होते थे थर्ड फोर्थ क्लास सेकंड फर्स्ट तब भी करवाया जाता था, जिसको दोस्तों हिंदी में क्या बोला जाता है, स्थानीय मान। और दोस्तों इसके साथ ही जिक्र करेंगे ओरिजिनल वैल्यू का दोस्तों, ओरिजिनल वैल्यू जिसको हम क्या बोलेंगे, जातीय मान। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले ही कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन आया था, जैसे 5 4 3 2 1 ये क्वेश्चन ले लिया और आपसे पूछा गया था इस पांच के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ दोस्तों, अंतर बताओ, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पांच के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ, पांच के स्थानीय मान और जातीय मान का दोस्तों अंतर बताओ, रेशो बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपको पता होगा कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो आइए दोस्तों बताते हैं, स्थानीय मान तो दोस्तों आप जानते भी होंगे, जैसे हमने पांच का स्थानीय मान निकालना है तो जिसका स्थानीय मान निकालना है पहले वो लिखेंगे, और इससे जो पहले जो संख्या आई है, इससे जो पीछे की जो संख्या पड़ी है वो जीरो के, तो कितनी जीरो लगेंगी, अगर पांच से पीछे तीन संख्याएं हैं तो तीन जीरो लगेंगी, चार है तो चार जीरो लगेंगी। ये लो दोस्तों जो पांच का जो स्थानीय मान है, जो प्लेस वैल्यू है, वो क्या आ चुकी है, 5000 यानी कि 5000। अब दोस्तों ये तो आप जानते हो, लेकिन जातीय मान क्या होता है दोस्तों, जातीय मान, जैसे दोस्तों जातीय, जैसे हम अपनी कास्ट जात को नहीं चेंज कर सकते, वो वही की वही रहती है, एससी है तो एससी, बीसी है तो बीसी, ऐसे दोस्तों जो जातीय मान होता है, जैसे उसने पांच का जातीय मान पूछा तो दोस्तों पांच का जो जातीय मान है, जो जात है वो पांच ही रहेगी, तीन का जातीय मान पूछे तीन ही रहेगा, चार का जातीय मान पूछे चार ही रहेगा। तो ये लो दोस्तों जातीय मान क्या होता है, जिस संख्या का जातीय मान पूछे वही संख्या ही जातीय मान होती है, ओरिजिनल वैल्यू दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो स्थानीय मान था वो 5000 आया और जो जातीय मान था वो 5 आया। अब दोस्तों आप इसको माइनस करना चाहो तो माइनस कर दो, प्लस पूछे तो प्लस कर दो, रेशो में पूछे तो दोस्तों ये लो स्थानीय मान और जातीय मान का रेशो निकाल दो, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या देखा कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, तो इसके ऊपर एक एग्जांपल लेकर मैंने क्वेश्चन को समझाया। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल आप खुद बना सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप पर आपको कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, और दोस्तों सबसे फेमस टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉपिक का नाम क्या दोस्तों, इकाई का अंक दोस्तों, जिसको हम एकल अंक भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों,
एकल अंक भी बोलते हैं, इकाई का अंक। सारे बच्चे जानते हैं इकाई का अंक किसको कहते हैं। जैसे दोस्तों 5, 4, 3, 2 ये मैंने संख्या ली, तो इकाई का अंक कौन सा होता है? पीछे से दोस्तों, इसको पीछे से जो लास्ट में जो होता है उसको बोला जाता है इकाई का अंक, या दोस्तों इसको बोलते हैं एकल अंक। ये इकाई अंक, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है दोस्तों। लेकिन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इकाई अंक पर दोस्तों। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, उसको वन बाई वन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे दोस्तों क्वेश्चन लिया मैंने एक, अगर मैं बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेता 2 की 3, 5 की 2 तो इसमें इकाई का अंक बताओ, तो आप सारे बता देते। 2 की 3 का मीन 8, 5 की 2 का मीन 25, और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 33। दोस्तों इकाई का अंक क्या आ गया, हमारा जो इकाई का अंक है वो 3 आ गया, बता दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो कंपिटिशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से नहीं पूछे जाते, वहां पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, अभी कुछ क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। जैसे उसने 5, 1, 4, 1 इसकी पावर 4, 3, 3 इसी तरह प्लस 4, 2, 5, 6, 9, 4, 1 इसी तरह आपका 5, 4, 3, 2, 5, 4, 1 ये लो दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आपके सामने उसने पुट कर दिया और अब कहेगा इकाई का अंक बताओ। तो दोस्तों यहां से इस इकाई के अंक का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है। इस टॉपिक को दोस्तों ध्यान से देखना, बस 5 मिनट वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अब 5141 की पावर 433 दोस्तों, यहां तक बात करें दोस्तों कैलकुलेटर तो खोल ही नहीं पाएगा, तो हम कैसे खोल देंगे? तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के माध्यम से सोल्व करेंगे। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझो, फिर इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना दोस्तों। वो कॉन्सेप्ट क्या है वही दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखना दोस्तों, अब सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इस बेस का दोस्तों। ये बेस होता है और ये पावर होती है, ये बेस ये पावर, ये बेस ये पावर। अब आपसे कोई पूछे बेस क्या है, आधार क्या है 5141, और पावर क्या है 433। ऐसे ही यहां पर बेस 4256 और यहां पर पावर 941। तो इस तरह से दोस्तों अब इसको क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमने आंसर तक भी पहुंचना है और टाइम भी कंज्यूम करना है। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहता हूं बेस, कि हम बेस को कैसे छोटा करेंगे। बहुत बड़ा बेस है दोस्तों, इसको छोटा कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। बेस के अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ दोस्तों इकाई का अंक लेना है। किसका अंक लेना है? इकाई, क्योंकि हमारा जो लेन देन है वो इकाई के अंक के साथ है दोस्तों। तो हमने क्या करना है, इकाई का अंक लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में बेस के अंदर जो इकाई का अंक है वो 1 है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 514 को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, और हमें क्या बच गया, 1 बचा। ऐसे ही 425 को खत्म कर देंगे, क्या बचा दोस्तों, 6 बचा। ऐसे ही 5432 में 543 को खत्म कर देंगे दोस्तों, क्या बचा, 2। ये लो दोस्तों हमारा जो बेस था वो छोटा हो गया। अब कई बच्चा सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे छोटा हो गया। दोस्तों हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई के अंक के साथ लेना देना होता है, आगे जो आपको नंबर दिए होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए दोस्तों एग्जाम के अंदर या बुक्स के अंदर आज तक जो क्वेश्चन बना हुआ है वो इकाई अंक पर ही बना हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों दहाई अंक पर नहीं मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। अगर दोस्तों दहाई अंक पर क्वेश्चन बनता है तो इसको निकाल पाना दोस्तों इम्पॉसिबल है। तो आइए दोस्तों अभी आपको सिखाया कि बेस को कैसे छोटा करते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों पावर। देखो इधर पावर भी तो
बहुत बड़ी बड़ी हैं। अगर बात करूं 6 को 941 बार मल्टीप्लाई करो, नहीं कर पाएंगे। तो अब दोस्तों पावर को कैसे छोटा करेंगे, अब बताने जा रहा हूं पावर को कैसे छोटा करेंगे। तो दोस्तों याद रख लेना, पावर का जो लास्ट वाले जो दो अंक होते हैं उनको 4 से विभाजित करना है, और जो शेष बचे उसे पावर लेनी होती है दोस्तों। क्या सीखा कि पावर को हम कैसे छोटा करेंगे, पावर के जो लास्ट वाले, जैसे दोस्तों यहां पर 433 पावर है तो लास्ट वाले दो अंक क्या होंगे, 33। ऐसे ही 941 पावर है, लास्ट वाले दो अंक क्या होंगे, 41। ऐसे ही 541 पावर है, लास्ट वाले दो अंक क्या होंगे, 41। आपने क्या करना है दोस्तों, मैंने यहां पर लिख भी दिया कि पावर का लास्ट वाले दो अंक लेने होते हैं और उसको 4 से विभाजित करना होता है। किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, और जो शेष बचेगा, शेष का मीनिंग रिमाइंडर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, आरएक्स जो बचेगा उसी को ही हमने पावर में लेना है। जैसे दोस्तों एक चीज यहां पर ध्यान देना, अगर हम शेष आए 1 तो पावर 1 लेंगे, शेष आए 2 तो पावर 2 लेंगे, शेष आए 3 तो पावर 3 लेंगे, और अगर दोस्तों शेष हमारा 0 आए तो पावर 0 नहीं रखनी, उस केस में पावर को 4 रखना है। दोस्तों एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अगर पावर शेष 1 आए तो 1, पावर 2 आए तो 2, पावर 3 आए तो 3, अगर शेष 0 आए तो दोस्तों पावर को 4 रखना है, और 0 भी शेष आएगा दोस्तों। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम किसी चीज को 4 से भाग देते हैं तो जो शेष प्राप्त होता है वो 1, 2, 3 और 0 प्राप्त होता है। 5 से भाग करेंगे तो हमें शेष क्या प्राप्त होता है, 1, 2, 3, 4 और 0 प्राप्त होता है। तो ऐसे दोस्तों अब यहां पर ध्यान देना, इधर ध्यान रखना दोस्तों, अब इस 33 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आया, 32 शेष क्या आया दोस्तों, 1 आया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 433 की जगह क्या रखेंगे, जो शेष आया तो 1 रखेंगे। ऐसे ही यहां पर 41 है, जब 41 को आप 4 से भाग करोगे तो शेष 1 बचेगा, 1 रखेंगे। ऐसे यहां पर 41 है दोस्तों, जरूरी नहीं है यहां 41, आप 42 ले लो, 42 ले लो, कुछ भी दे सकता है आपको। तो आपने लास्ट वाले दो अंकों को सिर्फ 4 से भाग देना है। जब हम इस 42 को 4 से भाग करेंगे तो हमें जो शेष मिलेगा 2 मिलेगा। तो अब ये क्वेश्चन दोस्तों क्या था और क्या बन गया, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, इधर ध्यान दो दोस्तों, 1 की पावर 1, 6 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये लो दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब इसको 1, 6 का 6 और 2, 4 ऐड करोगे तो हमारा 11, और जो हमारा इकाई का अंक है वो दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि जब इकाई के अंक पर आपका क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, उस केस में बेस को कैसे छोटा करोगे, सिर्फ बेस का लास्ट वाला अंक लेना है, और पावर को कैसे छोटा करोगे, पावर को आप लास्ट वाले दो डिजिट को, दो संख्याओं को 4 से डिवाइड करोगे और जो शेष बचेगा वो पावर में रखेंगे। अगर शेष 0 बचे तो 4 पावर रखनी है, इस बात को दोस्तों ध्यान से दिमाग के अंदर सेट कर लेना। और दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों पर एक चीज आपको और बताने जा रहा हूं जो आपका टाइम और कम कर देगी दोस्तों, जो आपका टाइम और घटाएगी, वो चीज क्या है दोस्तों, सुनने वाली चीज है दोस्तों, इधर ध्यान रखना, वीडियो में बने रहिए, वो चीज क्या है, इधर ध्यान देना सारे बच्चे, वो चीज क्या है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे,
अगर हमारा बेस, यहां पर लिख भी रहा हूं दोस्तों, अगर हमारा जो बेस है वो हमारा बेस, बेस का, यहां लिख भी रहा हूं बेस का इकाई का अंक, बेस का इकाई का अंक, जैसे यहां पर इकाई का अंक एक बचा, यहां पर छह बचा था, यहां पर दो बचा था, अगर बेस का इकाई का अंक क्या बचे दोस्तों, जीरो बचे, एक बचे, पांच बचे और छह बचे दोस्तों। अगर बेस का इकाई का अंक जीरो, एक, पांच, छह बचे तो दोस्तों आप उस क्वेश्चन में क्या करोगे, उस पावर को चार से भाग नहीं करोगे। जैसे यहां पर बेस एक है, यहां पर बेस छह है, तो आप इस केस में क्या करोगे, पावर को चार से भाग नहीं करोगे। अब पूछ रहे होंगे क्यों नहीं करेंगे, तो दोस्तों ध्यान देना, अगर मैं एक के ऊपर दो पावर रख दूं, पांच पावर रख दूं, सौ पावर रख दूं, वो दोस्तों जो इकाई का अंक होता है वो हमेशा एक ही आता है। ऐसे ही अगर मैं पांच के ऊपर पावर दो रख दूं, तीन रख दूं, चार रख दूं, चाहे सौ रख दूं, इकाई का जो अंक रहेगा वो पांच ही रहेगा। 25, 125, 625, देखो दोस्तों जो लास्ट वाला जो इकाई का अंक है वो पांच ही रहता है, इसलिए आपने पावर को छोटा नहीं करना, ना ही चार से भाग करना। अगर बेस आपका जीरो, एक, पांच, छह आए तो आपने क्या करना है, पावर को छोड़ देना है, पावर को आप उड़ा देना दोस्तों। आप क्या रखोगे, सिर्फ एक की पावर कुछ भी है वो एक ही रख लेना है। अब छह का ये दोस्तों छह रह गया, लेकिन यहां पर ध्यान देना कि जो हमारा बेस है वो दो है, यहां पर आप पावर को नहीं काटेंगे। इस केस में आप क्या करोगे, लास्ट वाले दो अंक को चार से भाग करोगे। ये दोस्तों ध्यान रखना, और ये दोस्तों इकाई के अंक का जो सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको एक ही एग्जांपल लेके सारे का सारा दोस्तों क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अगर जो बच्चा इस वीडियो को देख लेगा तो आज के बाद इकाई के अंक का आप कोई भी बुक लो, कोई भी एग्जाम देखो, आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं फंसेगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो क्या करोगे दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा क्या करवाओ दोस्तों, सब्सक्राइब करवाओ। और दोस्तों सारी की सारी वीडियो अच्छी तरह से देखा करो, क्योंकि अब हमने मैथ को बिल्कुल नए सिरे से स्टेप बाय स्टेप क्या किया है, स्टार्ट किया है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।